हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा टाक, लेक्चरर इन कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोटा। आज का टॉपिक है हाउ वर्क्स कैमरा, लेकिन उससे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोग्राफी पूर्णतः प्रकाश पर निर्भर करती है और प्रकाश ह्यूमन आई व कैमरा आई के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश का स्रोत सूर्य है। प्रकाश एक दूसरे के समानांतर सीधी रेखाओं में अत्यधिक गति से चलता है। ये प्रकाश किरणें हवा, पानी, कांच से भी आर पार हो सकता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वस्तु के घनत्व या डेंसिटी के अनुसार इसकी गति में परिवर्तन होता है। फोटोग्राफी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर निर्भर करती है। जब प्रकाश किरणें किसी विषय पर गिरती हैं तो उस विषय से परावर्तित होकर लेंस द्वारा कैमरे में प्रवेश करती हैं। लेंस परावर्तित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के द्वारा फिल्म पर फोकस करता है या प्रतिबिंब बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोग्राफी में या फोटोग्राफी प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन पर पूर्णतः निर्भर करती है। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि कैमरा किस प्रकार कार्य करता है, दैट मीन्स हाउ कैमरा वर्क्स। विषय से परावर्तित प्रकाश किरणें लेंस के द्वारा कैमरे में प्रवेश करती है। खुले अपर्चर और शटर द्वारा प्रवेश प्रकाश किरणें फिल्म पर एकत्रित होती हैं और फिल्म पर उल्टा व विपरीत प्रतिबिंब बनता है। मीन्स किसी पेड़ या ह्यूमन फोटोग्राफ आप लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि ह्यूमन का सर नीचे और पैर ऊपर, और रिवर्स मींस अगर वो ब्लैक है तो वाइट फिल्म पर इमेज बनेगी, तो जस्ट रिवर्स विषय का फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है। फिल्म पर प्रकाश संवेदी रसायन या लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है जो प्रतिबिंब मैं अलग अलग रंगों और प्रकाश की तीव्रताओं को बताता है। विषय से परावर्तित प्रकाश किरणों में अलग अलग कलर्स की इंटेंसिटी या तीव्रता होती है। उस तीव्रता के अनुसार फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे वाइट कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो वाइट का जस्ट रिवर्स वहाँ ब्लैक में फिल्म पर इमेज बनेगी, और ब्लैक बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता है या प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, परावर्तन नहीं करता है, तो वहाँ जस्ट उसके अपोजिट वाइट इमेज फिल्म पर बनेगी। और जो बीच के रंग होते हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, उनकी अलग अलग रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिल्म पर इमेज या प्रतिबिंब बनता है। फिल्म पर बना हुआ अदृश्य प्रतिबिंब या लेटेंट इमेज फिल्म डेवलप करने के बाद पूर्ण रंगीन पिक्चर बनाता है। कैमरे में एक व्यू फाइंडर होता है जो विषय के फ्रेम या कंपोजिशन को बनाने में फोटोग्राफर की मदद करता है। इस प्रकार फोटोग्राफी का प्रोसेस पूर्ण होता है।